पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के टीपीएस कॉलेज में विज्ञान एवं पर्यावरण उत्सव इंद्रधनुष 2024 का आयोजन किया गया और इस दौरान कॉलेज के स्टूडेंट्स ने विज्ञान के क्षेत्र में नई तकनीक का प्रदर्शन किया। टीपीएस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि हमारा मकसद देश को नई तकनीक से रूबरू कराते हुए विज्ञान के क्षेत्र में देश को नई टेक्नोलॉजी प्रदान करना है। आज का कार्यक्रम है विज्ञान और पर्यावरण महोत्सव 2024, उसको हम लोग क्या है उन धनुष नाम दिए हैं। उस मुख्य रूप से विज्ञान के बारे में बताया जाएगा और पोस्टर प्रदर्शनी भी होगा। हमारे यहाँ पोस्टर लगाए हैं, पीपीटी प्रदर्शन होगा, छात्र लोग लगभग 200 छात्र भाग ले रहे हैं, उसका जजेस हमारे बहुत से हैं, सब उसको इज करेंगे और अंत में सबको अवार्ड दिया जाएगा। बच्चों की कोई भी चीज़ सब चीज़ अच्छी होती है और जो कुछ वो बनाते हैं उसमें टीचर के सहयोग से करते हैं, इससे बच्चों का नॉलेज बढ़ता है, साथ ही साथ दूसरे लोग जो देखते हैं उनका भी नॉलेज बढ़ता है। तो हम लोग का भी नॉलेज बढ़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे लोगों का ही बढ़ा है।